राम मंदिर निर्माण 22 तारीख को हो रहा है, उसी चलते हुए मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरी अयोध्या, ये अभियान का शुरुआत अभी अपन ने की है। भिवंडी शहर में, भिवंडी ग्रामीण में ऐसे कम से कम 50 से 60 यात्रा निकले। अपने देश के प्रधान नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे आह्वान किया है कि सभी मंदिर, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उस वजह से लोगों में तुम लोग देख रहे हो श्रद्धा और भावना, ये सब आध्यात्मिक रूप से ये जो लोग खुशी के माहौल बना रहे, ऐसे ही माहौल 22 तारीख को भी फिर एक बार बनेगा। सकल हिंदू समाज इसके आगे भी इसी प्रकार से व्यवहार करते रहेगा भावी जाने वाली को। हर एक जन को घर में, बाहर, सोसाइटी में, चौक में, मोहल्ले में, ग्रामीण भाग में, गांव में अपने को दीपोत्सव साजरा करना है। अयोध्या अक्षत वाटप और कलश पद यात्रा का आयोजन भिवंडी सकल हिंदू समाज की तरफ से किया गया, जिसमें हम आपको बता दें कि ब्राह्मण अली, कासर अली, धांगे गली, वानी गली, सुनार गली, अंबिका नगर से ये सब परिसर के लोग इस यात्रा में शामिल हुए, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरह से घर घर जाके अयोध्या से आया हुआ अक्षत वाटप किया जा रहा है और हिंदुत्व का संदेश दिया जा रहा है। भारी संख्या में महिला इस रथ यात्रा में शामिल थी। सभी लोगों ने सर पर कलश रखकर अपने पूरे परिसर में पद यात्रा निकाल कर जय जय श्री राम के नारे से वहां पर आप देख सकते हैं कि इस अयोध्या अक्षत वाटप और कलश पद यात्रा में बढ़ चढ़ कर शामिल होती हुई दिखाई दी। पूरी तस्वीर हम आपको भिवंडी की दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अयोध्या अक्षत वाटप और कलश पद यात्रा का आयोजन भिवंडी सकल हिंदू समाज की तरफ से किया गया। नमस्कार, जय श्री राम। आज सभी हिंदू समाज का जो राम मंदिर निर्माण 22 तारीख को हो रहा है, वो जो निर्माण का प्राण प्रतिष्ठा सोलह 22 तारीख को अयोध्या में होने जा रहा है, ये सभी सकल हिंदू समाज के लिए अभिमान का, गर्व का और आनंद का क्षण है। उसी चलते हुए मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरी अयोध्या, ये अभियान का शुरुआत अभी अपन ने की है। हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक घर में ये यात्रा का मंदिर केंद्र रखते हुए ये यात्रा का नियोजन हो रहा है। भिवंडी शहर में, भिवंडी ग्रामीण में ऐसे कम से कम 50 से 60 यात्रा निकले। वैसे भी आज तिलक नगर, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रखंड, संघ के दृष्टिया उसे तिलक चौक बोलते हैं, तिलक नगर, और विश्व हिंदू परिषद के दृष्टिया इसको छत्रपति शिवाजी महाराज प्रखंड करके करते। तो ये जो यात्रा है सकल हिंदू समाज का गौरव का और सुख का जो क्षण है, उस वजह से लोगों में तुम लोग देख रहे हो श्रद्धा और भावना, ये सब आध्यात्मिक रूप से ये जो लोग खुशी के माहौल बना रहे, ऐसे ही माहौल 22 तारीख को भी फिर एक बार बनेगा। और ये सकल समस्त हिंदू समाज को आनंद के क्षण की बात है। सकल हिंदू समाज इसके आगे भी
इसी प्रकार से त्यौहार करते रहेगा। 22 जनवरी को हर एक जन को घर में, बाहर, सोसाइटी में, चौक में, मोहल्ले में, ग्रामीण भाग में, गांव में अपने को दीपोत्सव साजरा करना है। सुबह अपने घर के बाहर रंगोली, उसके बाद में शाम में कम से कम 5 दिए लगाने हैं। उसके बाद में अपने आजू बाजू के परिसर में जितने भी मंदिर है उसका स्वच्छता का अभियान अपने को करना है। ऐसे आह्वान विश्व हिंदू परिषद ने भी किया है और अपने देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने भी ऐसे आह्वान किया है कि सभी मंदिर, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो उसके वास्ते ये सभी मंदिर आजू बाजू में साफ होने चाहिए। तो सभी ने, देशवासियों ने और सभी भिवंडी वासियों ने यह अभियान ध्यान में रखते हुए ये यात्रा ख़त्म होने के बाद रोज़ के रोज़ अपने आजू बाजू के मंदिर जो है वो साफ़ करने हैं। अक्षता हर एक के घर में पहुँच गई है। वो 22 तारीख को अपने आजू बाजू के मंदिर में, आने वाले मंदिर में उधर जाके दर्शन लेना है सहकुटुंब, और वो अक्षता जो है वो मंदिर में अर्पण करनी है। सभी की श्रद्धा है, अयोध्या तो सभी को जाना है, लेकिन 22 तारीख को सभी जन अयोध्या जाना मुमकिन नहीं है। अपन सब उधर गए तो उधर की व्यवस्था खराब हो जाएगी। 22 तारीख के बाद समस्त हिंदू, सकल हिंदू समाज अयोध्या जाएगा, ऐसा निमंत्रण आपके घर पे आया है और वो निमंत्रण स्वीकार करते हुए आप सभी जन अयोध्या में आए, ऐसे में अयोध्या के राम मंदिर न्यास से बात करता हूं।